हेलो फ्रेंड्स, ईद मुबारक। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शीरकुरमा। जी हाँ, जो कि ईद में बनाया जाता है। चलिए अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी देखते हैं। देखिए, हमें चाहिए सबसे पहले बादाम एंड काजू, ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमें ओवरनाइट सोक करके रखना होगा। तो हमने ले लिए हैं ये हैंडफुल ऑफ आलमंड्स, बादाम। हैंडफुल ऑफ कैश्यूज लेंगे हम, काजू। अब हम इसको वाटर डाल के रख लेंगे, ओवरनाइट सोक कर लेंगे। चलिए अब हम मिल्क लेंगे। मैंने मिल्क लिया है 1 लीटर। इसको अच्छे से गरम कर लेंगे हम। ना थोड़े थोड़े गैप पे गरम करेंगे। आप गरम कर रख के रख देंगे, फिर हाफ़ एन आवर के बाद गरम करेंगे, फिर 2 आवर्स के बाद गरम करके ऐसे ही ओवरनाइट हम अच्छे से गरम कर लेंगे, ताकि जो मिल्क है हमारा वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए और अच्छा हमारा शीरकुरमा अच्छा बने। देखिए, ये तो गर्म हो चुका है। अब हम इसे पकने रख देंगे एंड बंद कर देंगे। ये हमने लिए है सेवियाँ। देखिए, ये हमने इसको क्रश करके रख लिया था, साइड में रख लिया। अब हमने ड्राई फ्रूट्स को छील लिया, छील लेंगे, पूरा इसका कवर निकाल लेंगे, हमारे जो बादाम है उसका। ये हम वो रात में हमने किया था भिगाकर, और ड्राई फ्रूट्स हमने सोक करके रख लिया था एंड दूध गर्म करके रख लिया था। अब ये सुबह हम ये कर रहे हैं। सारे ऐसे ही कर लेंगे एंड अब कट कर लेंगे हम छोटा छोटा सा पूरे काजू और बादाम, ऐसे ही कट कर लेंगे हम। देखिए, कट हो चुके हैं। अब हमने लिया है पिस्ता, जो कि हम भिगा के नहीं रखे थे, वैसे ही लेके हमने ऐसे ही इसके साथ कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। देखिए, हमने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी, डालेंगे हम असली घी, 2 टीस्पून उतना हम डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स तल लेंगे। देखिए, अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद हम उसे निकाल लेंगे।
जब तक ये नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम पकाएंगे। देखिए ये हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। देखिए हमने तल लिए हैं। नेक्स्ट हम इसमें फ्राई करेंगे पिस्ता जो हमने कट करके रख लिया था, ऐसे ही सेम ये भी फ्राई करके निकाल लेंगे। चलिए अब हम और 2 टीस्पून इतना घी डालेंगे उसके अंदर, एंड जो हमने सेवियाँ क्रश करके रखे थे वो डाल लेंगे, एंड इसको वो तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे तब तक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। वैसे हमने ये भुनी हुई सेवी ही ली है पर इसको हमें और भुनना होगा। देखिए हमें इसको बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना चाहिए, नहीं तो नीचे से वो जल जाएगा। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है इसके अंदर। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। हमने 1 ग्लास उतना मिल्क लिया था इसके अंदर डाल दिया है। इसको गलने के लिए रखेंगे, सेवियाँ गलने के लिए हमने मिल्क डाला है। अब हम इसमें 1 कप उतनी शुगर डालें, 2 टेबलस्पून उतनी शुगर है ये। इसको गल लेंगे, गला लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल चुका है सेवियाँ हमारे। देन हम जो हमने दूध गर्म करके रखा था रात भर से, मिल्क हमारा जो, उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए ये हो चुका है ट्रांसफ़र, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। देखिए ये पकने आ चुका है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून उतना, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड। चलिए अब मिक्स कर लेंगे एंड इसको अच्छे से पकाएंगे। सिम पे रख के छोड़ देंगे हम इसको ताकि वो अच्छे से पके। ये देखिए ये हमने पका लिया है, ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, निकाल लेंगे हम और इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से एंड डेट्स से, खजूर से। खजूर के हमें बीज निकाल लेने होंगे बीज से। देखिए और हम इसमें डाल देंगे डेट्स। चलिए हो चुका है हमारा शीरकुरमा रेडी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू।